नमस्कार दोस्तों, एक देवदासी का जीवन कितना दुख दर्द से भरा पड़ा होता है और एक जिल्लत भरी जिंदगी जी रहे हैं। इनका जीवन बहुत ही कष्टदायक होता है। देवदासी और उनके बिन बाप के बच्चे के अलावा और कोई भी इनका दुख दर्द नहीं समझ सकता। इसे आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि अगर आपकी जिंदगी की वो सारी आजादी जो आपके मर्जी बिना जाने छीन ली जाए, जो जिंदगी आप जी रहे हैं वह बहुत ही कष्टदायक हो, जैसे स्वतंत्र रूप से कहीं घूम न पाना, स्वतंत्र रूप से खान पान न होना, ऊपर से आप पर मानसिक तनाव हर रोज डाला जाए, रोज आपका शारीरिक और यौन शोषण होता रहे, फिर भी ये सब अपने साथ होते हुए इस अन्याय को आप चुपचाप रह कर देखते रहे, तो आप हर रोज मर मर कर घुट घुट कर एक जिंदा लाश बनकर मजबूरी में आपको जीना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास एक बिन बाप का बच्चा ही होगा जिसे समाज ने स्वीकार नहीं किया। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ ऐसे ही नहीं, इससे भी बदतर जिंदगी इन देवी समान देवदासियों को जीना पड़ता है। दरअसल समाज उन्हें देवदासी कहता है जो महिलाएं की मर्जी जाने बिना उनका बचपन, किशोर और जवानी अवस्था को छीन कर गाँव की सेवा करने के लिए मंदिरों में दान कर दिया जाता है, जिसे हम देवदासी कहते हैं। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन यहाँ से असली कांड शुरू होता है, जिसे समाज देवी की तरह मानता है। फिर वही समाज का पुजारी उनका अपना काम तो अपना काम, खुद का काम भी उस पर थोपता है। पुजारी जी आते हैं और मंदिर में पूजा करके चले जाते हैं, फिर देवी समान देवदासी पर अपना हक जमाते हैं, उस पर मानसिक दबाव डालते हैं, उसका यौन शोषण हर रोज करते हैं। ये करता है तो ये करता है, तो साथ में समाज के उन बड़े धनवान, दबंग और रसूख वाले लोग भी आकर इसके साथ कुकर्म करते हैं। फिर इन्हीं कुकर्मों की बदौलत देवदासी का बच्चा पैदा होता है, जिसे ये तक नहीं पता होता कि इनका बाप कौन है। जिन्हें पता होता है वो जानवर लोग उसे अपना खून मानने से इनकार कर देते हैं। फिर वही समाज जो देवदासी को पहले देवी के समान मानती थी, अब इन्हें ही अपनी गिरी हुई नजरों से एक वैश्या के रूप में देखते हैं। और ये जब इस दलदल से निकलना चाहती है तो समाज इन्हें काम तो क्या, इनको देखना भी पसंद नहीं करती, उल्टा चार लोग इन पर हंसने, थूकने और छूत मारने लगते हैं। ये सब अन्याय अपने साथ होते हुए देख देवदासी बस देखती ही रहती है। वो बेचारी इस पर सवाल तक नहीं उठा सकती, क्योंकि ये भी हक इस क्रूर निर्दयी निर्लज समाज ने इनसे छीन लिया है। अब सवाल यह उठता है कि आखिरकार ऐसी जिंदगी बर्बाद कर देने वाली ऐसी क्रूर घिनौनी प्रथा पर रोक किसने लगाई। फोटो में दिख रहे यह लड़की कोई आम लड़की नहीं, बल्कि पद्म भूषण से सम्मानित भारत की पहली महिला विधायक, समाज सेविका, यही नहीं लड़कों के स्कूल में प्रवेश लेने वाली भारत की पहली महिला, देश की पहली महिला डॉक्टर, मेडिकल ग्रेजुएट डॉक्टर मुथु लक्ष्मी रेड्डी है। मुथु लक्ष्मी रेड्डी के पिता नारायण स्वामी अय्यर महाराजा कॉलेज के प्रोफेसर थे और उनकी माँ चंद्रमाई देवदासी समुदाय से थी। मुथु लक्ष्मी को बचपन से ही पढ़ने के लिए काफी कठिनाइयों का सामना करा। मुथु लक्ष्मी देवदासी प्रथा को खत्म करने के लिए कानून पास करवाने में अगुवा रही। उन्होंने इस प्रक्रिया में कट्टर समूह से विरोध का सामना करना पड़ा। हालांकि इस प्रस्ताव को मद्रास विधान परिषद ने सर्वसम्मति से समर्थन दिया और केंद्र सरकार की इसकी सिफारिश की। ये विधेयक 1947 में आखिरकार कानून बन गया। मुथु लक्ष्मी रेड्डी ने कहा था कि देवदासी प्रथा सती प्रथा का सबसे खराब रूप है और ये धार्मिक अपराध है। मुथु लक्ष्मी रेड्डी ने बाल विवाह रोकथाम कानून, मंदिर से देवदासी प्रथा खत्म करने वाले वेश्यालय बंद करने और महिलाओं व बच्चों की तस्करी रोकने के लिए कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुथु लक्ष्मी एक बार यह भी कहा था कि सती प्रथा में कुछ ही देर की पीड़ा होती है, जबकि लड़की को बाल विवाह की प्रथा में उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक एक बाल पत्नी, एक बाल माँ और एक बाल विधवा के तौर पर जिंदगी भर पीड़ा मिलती है। ऐसी महान डॉक्टर मुथु लक्ष्मी रेड्डी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज सेवा, गलत कार्यों, नियमों के विरुद्ध लड़ाई और आवाज उठाया, यह सच्ची और रियल लाइफ नायिका है, जिसे समाज और उन सभी लोगों को इससे यह सीखना चाहिए। समाज में शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण है और हमारी शिक्षा सही समझ ही हम लोगों को सही गलत में भेद और गलत कार्य होने पर उसके खिलाफ आवाज उठाती है। ऐसे ही हमारी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। चलिए आज के लिए बस इतना ही, गुड बाय।